अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। एक्चुअली आज जो है ना, बस आज क्या तकरीबन आफ्टर 15 डेज से भी ज़्यादा हो गए हैं इस दिन को, कि क्या कहते हैं, बच्चे और हम लोग सब, पूरा घर डिस्टर्ब है और पूरे कराची में, हो सकता है कि पूरे कराची में हर घर में कोई ना कोई बीमार हो, क्योंकि आस पास में मेरे जितने भी पड़ोसी हैं और उनके घर में भी कुछ ना कुछ तकलीफ दे मंजर है अभी। और उसके अलावा आप लोगों को मुबारकबाद देनी थी, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का महीना स्टार्ट हो चुका है, और आप सबको तहे दिल से मेरी तरफ से मुबारक। और आपको एक मैसेज ये भी देना था कि क्या कहते हैं, एज अ मुसलमान होते हम लोगों को, वैसे तो हमें पूरा साल जिस तरह होता है कि हम लोग, हमें नमाज वगैरह और दुरूद पाक जो है वो जारी रखना चाहिए, मगर इस महीने स्पेशली हर बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करता है, तो हमें दुरूद पाक का और क्या कहते हैं इस महीने का बहुत एहतराम करते हैं हम लोग। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। आज जो है एक्चुअली मैं ब्रेड और एग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना खांसी अभी बोल रही थी, और क्या कहते हैं मामा मुझे जो है ना ब्रेड और एग खाना है, और मेरे हस्बैंड भी इस टाइम अभी नाश्ते के टाइम घर पर ही हैं। और मीसब और अदीमा को मैंने स्कूल भेज दिया, क्योंकि मीसब जो था उसकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, और अदीमा की और फासिया और सदीम की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से 1 वीक से ज़्यादा होने लगा है कि वो लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। और आज जो है, आज क्या मैं तकरीबन 2 से 3 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ, बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ भी दिल नहीं चाह रहा, ना काम करने का, ना ही कुछ खाना पकाने का दिल चाह रहा था। और क्या कहते हैं, आज बहुत ज़्यादा दिल को, जैसे बोलते हैं ना कि मोटिवेट करके, अभी मैं किचन में आई हूँ और नाश्ता बना रही हूँ। ये सब ने बड़ी ज़िद की कि मामा आज जो है मुझे स्कूल भेजिएगा, मेरे जो है क्लासेस मिस हो जाएंगी, तो मैं अभी जो है नाश्ता बना रही हूँ। सदीम की कंडीशन बहुत ख़राब है, और हॉस्पिटल हम लोग इसलिए लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन वगैरह दी जाती है वो हमें माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, 4 बच्चे हम लोगों ने पाले हैं, तो हम लोग मेडिसिन घर में दे देते हैं और नेबुलाइजर वगैरह हम लोग घर में करते हैं। और हॉस्पिटल में पाँव रखने की जगह नहीं है, क्योंकि कल मैं रात को गई थी लेट नाइट हॉस्पिटल, और मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी रिपोर्ट्स देके, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइंस थी कि मैं वापस डिसहार्ट होके आई हूँ वापस, तो छोटा बेबी उसको अगर मैं लेके जाऊँगी तो ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर पाएगा, तो अभी हम लोग जो है उसको नाश्ता वगैरह करा के हम उसको जो है नेबुलाइजर करेंगे, मेडिसिन देंगे, एक दिन और देखते हैं मज़ीद, वरना फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फासिया और सदीम की बहुत अटैचमेंट है, तो ये देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये लोग चॉकलेट्स अभी निकाल के ना, इन लोगों ने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, इसका मुँह बहुत कड़वा हो रहा है। सदीम अस्सलाम वालेकुम तो कर दो बेटा, अच्छा अस्सलाम वालेकुम तो कर दो, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो जब इसका मूड ख़राब होता है ना या इसकी तबीयत ख़राब होती है, तो इसकी एनर्जी लेवल बहुत स्लो चली जाती है, ये मुझसे भी बात नहीं करता, और क्या कहते हैं सिर्फ इससे बात करता है, इस लड़की से करता है, इसने जो है ना जादू किया हुआ है, इस लड़की ने मुझसे छीन लिया मेरा बेटा छीन लिया है। अभी मैं इन लोगों के लिए नाश्ता रेडी करूँगी, और सदीम, अदीमा और मूसब जो है वो लोग स्कूल चले गए हैं, अब जो है इन दोनों का जो है ना खिदमत का दिन है, इन दोनों की खिदमतें होंगी। और दूसरा ये कि जो भी होगा आज दिन भर की वो भी आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि जब घर में डिस्टर्बेंस होती है तो कुछ भी दिल नहीं चाह रहा होता। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं एक और बात कहना चाहती थी कि मैं एक्चुअली, मैंने वीडियो जब स्टार्ट की थी ना, शुरू स्टार्ट में मैं बहुत डिसहार्ट थी, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, मगर अब जैसे बोलते हैं ना, एक ड्यूटी समझ के मैं जो हूँ, अब ये जॉब समझ के मैं करती हूँ, दिल से करती हूँ, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे भी रहा है, और अल्लाह ताला और बरकत देगा इंशाअल्लाह। और इतना प्यारा महीना आया है, अल्लाह ताला अपने इस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो है मुझे आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों की दुआओं के साथ। और अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर मिलते हैं। ये जो कि ये
ये जो फ्राई पैन है ये फासिया का है, ये अपने पापा के साथ खुद लेकर आई थी छोटा सा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मामा मैं जो हूँ ना ब्रेकफास्ट बनाना सीखूंगी, तो इसने तो खैर नहीं सीखा मगर मैं बनाती हूँ डेली। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और हम लोग दस्तरखान पे जो है ना नाश्ता करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेबल पे जो है ना सदीम बहुत छोटा है, तो वो और अदीमा जो है ना कंफर्टेबल नहीं होते, तो अब हम दस्तरखान पे रख रहे हैं। अच्छा वो वाला जो नाश्ता है ना वो उस प्लेट में अलग जो रखा हुआ है वो इनकी आपी का है जो हमारे घर पे काम करने आती है, तो क्या कहते हैं, और ये वाला हमारा है, ये हम करेंगे। अच्छा आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ लोबिया और कीमा, साथ ही साथ मैंने जो है ना गोश्त निकाला है फ्रीज़र से, चने की दाल और गोश्त जो है, असल में मैं कबाब बनाऊँगी। अदरक लहसुन और टमाटर प्याज ये सब कटिंग करके रख दी है अभी, अब मैं इनको जो है बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा मैंने लोबिया को 1 घंटा पहले बॉईल करने के लिए जो है, नहीं भिगोने के लिए मैंने रख दिया था, ठीक है, और अब जो है ना इसको बॉईल करूँगी। 1 घंटा मैंने भिगो दिया था इसको और नीम गर्म पानी में भिगोया था ताकि जल्दी से ये हो जाए ना, सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ और इसका खाने का जो है साथ साथ मैंने मसाले वगैरह रेडी कर लिए। वो जो मैंने अदरक लहसुन रखे हुए साबे टुकड़े वो मैंने रखे हुए हैं चने की दाल और गोश्त के लिए, मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और आधा किलो चने की दाल। अच्छा ये जो शामी कबाब का जो मैं मसाला चढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, उसके साथ जो है मैंने चने की दाल ले ली है, और 1 किलो के साथ आधा किलो चने की दाल। और देखें मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, और मसाले जो हैं बड़ी इलायची 4 अदद ली है, 20 से 25 अदद मैंने गोल मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है, बहुत सारा गरम मसाला लिया है, अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें और नमक, बस ये ऐड करूँगी मैं, क्योंकि आपको पता है ये शामी कबाब जो है या पुलाव के साथ खाया जाता है, ठीक है, या फिर शाम को चाय के साथ कैचअप के साथ, तो थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है, ये फीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हमारे घर में, थोड़ा स्पाइसी जो है ना कबाब खाए जाते हैं। 1 चम्मच जितनी मैंने नमक डाला है, ठीक है, अब इसको कुकर में मैं चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी यानी 1.5 गिलास बस। अभी मैं पानी इसलिए आपके सामने डाल रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। बस जी, ताकि देखें ज़्यादा पानी नहीं डालना कुकर में ना, और हमें जो है थोड़ा ड्राई ड्राई सा पकाना है, गलाना है। अच्छा मैंने लोबिया में जो है ना बस पानी डाल के थोड़ा सा नमक हसब ज़रूरत डाल के मैंने ये गलाने के लिए रख दी है, और सदीम को जो है नेबुलाइज़र लग चुका है, अभी देख कर आती हूँ मैं उसको, क्योंकि उसका जो है ना मैंने अभी देखा नहीं काफ़ी देर से जी। तो ये देख लें नेबुलाइज़र इसको जो है ना हमने लगा दिया है, इनके पापा ने लगाया है, और सीरियस कितना हो रहा है सदीम, इतने सीरियस क्यों बैठे हो बेटा, क्या हो गया? मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे बच्चे जितना भी बीमार होते हैं ना वो रोते नहीं हैं, ज़िद नहीं करते ना मेडिसन्स पे ना ही किसी चीज़ पे, माशाल्लाह से बहुत साबिर हैं ये। सदीम हाउ मच फीलिंग्स बेटा, हेलो। और ये देखेंगे इनकी सिस्टर नीनी के पास ही चिपकी रहती हैं, जब भी मौका मिलता है इसको 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ती ना, वो 1 मिनट के लिए अकेला रहता है इसके बगैर। अच्छा 2 अदद प्याज लिए थे मैंने, अब जो है कीमा और लोबिया के लिए जो है ऑयल डाल के अब इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ, और साथ ही साथ दूसरे भी काम करती रहूँगी, क्योंकि बच्चों को भी देख रही हूँ साथ साथ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी बिजी दिन है आज का दिन, तो क्योंकि वो बच्चे भी स्कूल गए हों, इनकी तबीयत जो है सदीम की भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है जी। प्याज अब मेरे लाल हो गए, अब जो है ना मैं ज़ीरा डालूँगी 1 चम्मच भर के, और दाल फ्राई नहीं करती हूँ तभी डाल देती हूँ ज़ीरा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। अच्छा कीमा डालने के बाद जो है ना अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, जिसमें 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें मैंने कुछ ज़्यादा ली हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसमें गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है लोबिया के अंदर, तो मैं ज़्यादा गरम मसाला साबुत डालती हूँ, और ये मसाले हल्के डालूँगी थोड़े।
कीमे को मैंने गरम मसाले के साथ बहुत सारा भून लिया, तकरीबन 5 से 6 मिनट। अब मैं टमाटर डाल के इसको हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि ये जो है ना कीमा थोड़ा गल भी जाए और साथ ही साथ टमाटर भी इसमें जो है ना अच्छे से पक जाए। अब इसको मैं दम पे रखने वाली। अच्छा, अभी जो है ना मैं दम पे रखूंगी, इसमें नमक मिर्च हल्दी अभी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी और इसको दम पे रख रही हूँ और इसका वेट कर रही हूँ कि ये कब बॉईल होगी और उसके बाद जो है ना ताकि मैं शामी कबाब भी चढ़ा दूँ साथ। ये देखें टमाटर जो है ना कीमे में आधे से ज़्यादा गल चुके हैं क्योंकि मैंने धीमी आँच पर रखा था और ये मसाले हल्दी नमक और लाल मिर्च ये पाउडर मैं अब इसमें ऐड करूँगी। मैंने सिर्फ एक एक चम्मच लिया है और नमक थोड़ा कम लिया एक चम्मच से क्योंकि मैंने लोबिया में भी नमक डाला था। अब थोड़ा तेज़ आंच पे भूनूंगी इसको अच्छी तरीके से ताकि इसका जो पानी टमाटर का था वो भी ड्राई हो जाए और साथ साथ इसको फ्राई भी करूंगी। अच्छा, तो कीमे को मैंने दम पे रख दिया है और साथ ही साथ देखें मेरे किचन की पोजीशन पूरा फैला पड़ा है और देख रहे हैं आप, जब बच्चे बीमार होते हैं ना घर का सारा सर्कुलेशन सब कुछ चेंज हो चुका होता है। और अधीमा भी स्कूल से आ गई है। अधीमा अस्सलाम वालेकुम। आप अपने इसको भी फीवर हो गया आज, इसकी स्कूल से जल्दी ऑफ कर दिए है टीचर ने, बोला आज आपको बोला फासिया वो शूज सीधा करो बेटा, बहुत गुना मिलता है फासिया वो शूज। शाबाश। हाँ, अच्छा जल्दी इसीलिए। ओके, गुड गुड। अस्सलाम वालेकुम तो किया ही नहीं आपने, ना मामा को किया ना आपने इधर किया। अस्सलाम वालेकुम तो बोल दो। ये दूध का गिलास पास या किचन में रख दो बेटा जल्दी से। चलो शाबाश समेटो। अच्छा, लोबिया गलने का वेट कर रही हूँ और जो है ना लोबिया जो है काफ़ी टाइम ले रही है क्योंकि उसको 2 से 3 घंटे भिगोना पड़ता है और मैंने 1 घंटा ही भिगोया है। कीमा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है मगर लोबिया नहीं रेडी हुई, अभी उसी का वेट कर रही हूँ। लोबिया रेडी हो जाएगी तो फटाफट खाना बनाऊंगी क्योंकि बच्चे स्कूल से आना शुरू हो गए और उसके अलावा क्योंकि इनको खाना जल्दी खाना होता है, खाना भी तैयार करना है फटाफट मैंने, और जो भी रूटीन होती है ऐसा ऐसा शेयर करूँगी। आज थोड़ी डिस्टर्ब हूँ काफ़ी क्योंकि बच्चे जो है ना तकरीबन सारे ही फीवर में हैं, फासिया सदीम, इनको मेडिसिंस भी देनी होती है, साथ घर के काम करने होते हैं, हस्बैंड को देखना होता है, मेरी अपनी रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हुई पड़ी है। और आप लोगों से गुजारिश है आप लोग सबके लिए दुआ क्या करें, अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले। लोबिया भी मेरी गल चुकी है और क्या कहते हैं अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमे में। अब इसको अच्छे से भूनेंगे फिर हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे और इसको दम पे रख दूँगी। अब इसमें हरी मिर्च मैंने डाल दी हैं, अब इसको जो है मिक्स करने के बाद मैं दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे। तो मेरा कीमा रेडी। कीमे को दम पे रखने के बाद मैंने अब शामी कबाब भी चढ़ा दिए और जल्दी इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और उनको खाना जो है मैंने पैक करके देना था और अभी उनको मैंने रोका हुआ था, मैंने कहा आप मत जाएं अभी मैं खाना बिल्कुल रेडी कर रही हूँ तो आप लेके जाइएगा। और शामी कबाब तो वैसे भी क्या कहते हैं अभी रेडी नहीं करूँगी मैं, शाम में करूँगी, अभी सिर्फ चढ़ा दिए मैंने और अब ये मसाले वगैरह समेटूँगी, जार वगैरह साफ करके अंदर रखती हूँ। अच्छा, जो कीमा मेरा रेडी हो चुका है, अब मैंने ये लंच बॉक्स निकाला है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था, अब इसमें जो है मैं खाना पैक करने वाली हूँ। अच्छा, अब जो है ना मैंने रोटी जो है बना के रखी है अभी अभी और उसके साथ साथ जो है इस कमरे की मैंने बेड वगैरह झाड़ी है और उसके बाद जब मैं उस रूम में गई हूँ तो आपको दिखाती हूँ उस रूम में क्या हो चुका है। ये तीनों बातें कर रहे थे जब मैं रोटी बना रही थी और अब तीनों बेहोश सो रहे हैं, हालांकि मैं अब जो है ये कमरा समेटने के बाद जो है इनको नहलाती तैयार करती और ये लोग खाना खाते, मगर ये तीनों मेडिसिंस ले के सो चुके हैं और अब इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि ये लोग अपनी नींद पूरी करेंगे फिर उसके बाद इनको उठा के रेडी करूंगी। अच्छा, वो लोग तो वहाँ सो रहे हैं तो मैं इनका ट्यूशन रूम जो है इनका मैंने साफ़ करने आई थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि मैंने ये कमरा क्यों नहीं सेट किया,
मैंने इसलिए ये कमरा सेट नहीं किया क्योंकि क्या कहते हैं लास्ट ईयर मुझे इस कमरे को जो है बिल्कुल सेपरेट है ये उस पोर्शन से, और मैंने इसको सेट करना था, ड्राइंग रूम का टच देना था। और लास्ट ईयर जो है मेरी बेटी के साथ एक्चुअली एक ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। उसकी टांग टूट गई थी अदीमा की, जो सेकेंड लास्ट वाली मेरी बेबी है, उसका जो है एक्चुअली हड्डी के दो टुकड़े हो चुके थे थाई वाली जगह से, और उसका प्लास्टर चढ़ा था तकरीबन 1.25 महीने तक, 40 डेज तक जो है उसका प्लास्टर चढ़ा था, और रिकवर होने में तकरीबन 4 महीने लग गए थे, 4 से 5 माह। और डे नाइट जो मैं और मेरे हस्बैंड जो है उसको रिकवर करने में हमारा जो है जो वक्त गुजरा था वो बहुत ही मुश्किल था। हमें याद है कि हम लोग सोते कम थे, बहुत कम सोते थे, यानी 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेते थे, और क्योंकि मुझे घर के काम भी करने होते थे और दूसरे बच्चों को भी देखना होता था, तो उसको जो है रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा। और उसका एडमिशन भी अभी कराया माशाल्लाह से, अब तो बहुत अच्छा से अच्छे से देख रही है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छा कर रही है। इसके 2 साल ज़ाया हुए हैं क्योंकि पहले कोरोना के टाइम पे मैं इसको एडमिशन नहीं करा पाई थी, और अब जो है इसकी टांग टूट गई थी तो फिर मैंने एडमिशन नहीं कराया था, अब इसका मैंने एडमिशन कराया। माशाल्लाह से मेरी बेटी की पूरी क्लास में बहुत अच्छी जो है ना इसकी एक इमेज है मेरी अदीमा की। और उसके अलावा एक और बात टच आपको जो है बतानी थी वो ये कि ये संदूक देखें, ये मेरी वालदा की थी जो इस दुनिया में नहीं है अब, मगर उनकी एक ही निशानी है मेरे पास, वो ये संदूक है और कुछ उनके बर्तन जो डिवाइडर में रखे हैं। और इस संदूक में सिर्फ उन्हीं की चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी पुरानी तस्वीरें, और उसके अलावा क्या कहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और पासपोर्ट की कॉपी वगैरह, उनकी चीज़ें जैसे पर्स हो गए, कंघा हो गया, जो भी चीज़ें वो यूज़ करती थी वो मैंने जो है अपने पास सेव करके रखी हैं, और जब मुझे याद आती है तो मैं उनकी चीज़ें देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो चलें अब इस कमरे की मैं सफाई करती हूँ क्योंकि माँ बाप को याद करके दिल थोड़ा सा जो है ना अंदर से दिल खराब हो जाता है, और अब जो है मैं इस कमरे की सफाई करूँगी और फिर जो भी होगा शेयर करूँगी। अच्छा, कमरा रेडी करने के बाद अब कबाब जो है मेरे गल चुके हैं, यानी पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के बाद जो है इसको मैं पीसूँगी, और पीसने के बाद जब इसकी रेसिपी जो है ना हो सकता है मैं शेयर कर सकूँ। वैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी बहुत चटपटे, तो मैं बताऊंगी, हो सका तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, और ये बहुत लजीज बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अम्मी सब जो है ना स्कूल से आने के बाद जो है जेली लेकर आए हैं अदीमा और सदीम के लिए, और ये सदीम और अदीमा जो है खुश हो रहे हैं कि हमारा भैया जो है, क्योंकि ये 20 रुपीज़ इसने मुझसे कल लिए थे और जो है ये इन दोनों के लिए जेली लेकर आया, और 10 रुपीज़ दिखाओ कहाँ पर है, ये अपने पास वापस लेकर आया, कह रहे मामा मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, इन दोनों के लिए लेकर आया हूँ। थैंक यू मिस साहब जी। तो फाइनली मेरे सारे घर के काम हो गए हैं, बच्चों को तैयार कराया, नहला धुला के, और अब उनके खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, और टाइम काफ़ी हो चुका था, वीडियो भी लंबी हो गई, आज काफ़ी बातें कर ली हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं आप लोगों से एक गुजारिश करें, भी इतना प्यारा महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबके लिए दुआ करें, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, और जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं अल्लाह पाक उनको किसी का मोहताज ना करे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, दुरूद शरीफ पढ़ें। और उसके अलावा क्या कहते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और क्या कहते हैं कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।